भाई साहब, बीवी से आप खुश हो उसकी हरकतों से? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो कोई मर्द खुश नहीं रहते। मैंने वीडियोस देखे हैं, लोग और बोलते हैं लास्ट कि वीक से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि नया उसने वो पूरे दिन गेम में ही रची पची रहती है। भाई साहब, अभी अभी मैंने भी देखा, सच में देखा भाई। आए हाय, 10 पाउंड मिल गए तो 12 पाउंड मिल गए तो ये हाँ, पाउंड मिल गए तो वो पाउंड मिल, तुम्हारा कच्चा आ रहा है पीछे वीडियो में। तो कच्चा तो मेरा ही है फिर क्या। वो मैं क्या कह रहा हूँ, और क्या था? इनसे तो पूछो, दीदी से, हाँ वो खुश है कि नहीं, हाँ हाँ उनसे तो पूछ ले। वो तो खुशी रहेगी भाई, ना। हाँ भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अब तो मैं अभी तो मैं खुश ही हूँ, क्योंकि पूरा दिन गेम खेलती हूँ, शाम टाइम मिले तो खाना बनाती हूँ, वरना ये तो कैंटीन में खा के आ जाते हैं कभी। आज उसने ऐसा इमोशनली पूछा कि खाना बनाऊं कि नहीं। मैंने बोला नहीं भाई, चलेगा, तू गेम खेल, तो खा के फालतू का बात। उन्होंने बनाया मैं भूखा क्यों? रहा। 6 बजे का मेरा ब्रेक रहता है, तब सुबह 6 बजे खाया, नहीं 8 बजे खाया था, रात को 6 बजे फिर खाया। हाँ, दस तो घंटा ऐसे निकाला। क्या खाया अभी, मतलब अभी आके कुछ खाया के ऐसे ही नहीं, फिर मैंने छः अपना बजे हाथ कैंटीन जगन्नाथ? क्या में से खाना खाया था, फिर अभी इधर घर घर आके खाया खाया? पाव भाजी। ओ ऐसे अच्छा यहाँ पे पाव भाजी भाई खाया। साहब, ये दोनों की मिली भगत है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि इन दोनों को ना, मैं अपनी वाली को डाइट करूंगा, आप अपनी वाली को डाइट कर दो, नहीं तो हम इसमें भूखे। क्या है, अच्छा अच्छा खाना बना के दे रहे हो तो उसमें टाइट क्या कर दो? अच्छे अच्छे खा रहे हो, उसमें टाइट करने वाली कौन सी बात आ गई? कल कितना अच्छा खाने वाले, तो मेरे को दाल गरम बाटी मिली कल, आज पाव भाजी मिली, कल कल दूसरा सब्जी कुछ। रोटी हाँ खाना। वही हम्म, ना। एक मिनट, कच्चा मत लेना भाई, मेरा कच्चे का बहुत वो प्राइस है इसका। प्लीज स्टॉप द ब्लॉग नाउ। थैंक यू, यस। और जनता थैंक यू सो वेरी मच, जय श्री राम। थैंक यू, इनका भी मैं करता हूँ, एक सेकेंड। जोया, जोयू तमें, क्या बोलते हैं उसमें, एक सेकेंड। ओके। जय जय श्री कृष्ण, चंदन क्यों अंदर? जय श्री कृष्ण, बाय बाय। आवजो, तुमने वीडियो गमे तो लाइक कर जो, न तो काई नहीं, घेरे पे गई जाचो। लाइक करनी पड़ेगी भाई, और जबरदस्ती है ला, जबरदस्ती हूँ, कहीं नहीं नहीं, करते जब हैं। जबरदस्ती क्या बोलते हैं, जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जस्ट सो कॉल्ड दो भाई बहनों के बीच की बात है, तो प्लीज द के एम एम्पायर भी सब्सक्राइब करो, वसानीज व्लॉग भी सब्सक्राइब करो, और इन नहीं सॉरी हमारा इन इनको सद्बुद्धि भगवान। दो। थैंक यू सो वेरी मच। नहीं मुझे हाँ भाई, क्यों? काम है ना थोड़ी। बस ज्यादा बोलेंगे तो फिर सर्विस हो जाएगी। हाँ लड़कियों में अकल नहीं रहती, लड़के ऐसे बोलते तो तो फिर हमेशा ही बोलते। शादी क्यों करने आ जाते भारत लेके? घर में ही रह जाते, यू आर राइट, क्यों शादी करने आ जाते हो? अकेले रहे फिर। हाँ, अकेले रहे, और वो भी देख लड़कियां कैसे अकेली जाती है, लड़के जंग लड़ने जाते हो, ऐसे इकट्ठा करके सबको लेके आते हैं शादी करने के ये लिए। पुराना मीम है, डोंट डोंट बोथ ना प्लीज। ना ना, नहीं, ये बड़ी पुरानी कहावत है भाई साहब, कौन आंसर इट, सी आंसर इट प्लीज। पुरानी ये जो आपने कहानी? भी बोला कि बारात लेके जाते हैं जंग हाँ, लड़ने, फिर बारात लेके आते हाँ हो, तो जंग सांड, लड़ने आते हो, ऐसे घोड़े पे सवार करके आते हाँ हैं, तो और सा वो भी तलवार लेके आते नहीं नहीं, नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, सांड को काबू करने के लिए ना हैं। जनता लानी पड़ती है। यस भाई साहब, करेक्ट। क्योंकि देखो, वो जो पहले के राजा महाराजा थे, वो जो उसका चल रहा अरे ट्रेंडिंग पूरा में गए भाई। फॉलो चल रहा था, तो हमने थोड़ा मॉडिफाइड किया कि अभी चलो तलवार नहीं आती है तो ऐसे ही घोड़े पे जाओ, ये कुछ कार कार में पे जाओ, जाओ, चल के भी जाओ, बगी तो में जाओ। अंबाला आने क्यों, लगा। हमारे ऊपर सींग लगे क्या?
नहीं सिंह नहीं, तुम लोग क्यों रेडी रहती हो, तो हम लोग भी रेडी होकर आएंगे ना। हम रेडी नहीं होते। एक सेकंड मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि हम दुश्मनों के इलाके में घुसते हैं। क्या समझे? पूरी फौज लेके। हाँ तो दुश्मनों के इलाके में घुसने के लिए फौज चाहिए होती है। अब देखो जब मतलब मान लो फॉर एग्जांपल के हम लड़की को लेने के लिए जाते हैं तो उनके गढ़ में जाते हैं हम। हाँ, फिर वो देख वो बात भी देखो ना कि लड़कियां फौज के बिना ही आपके घर आ जाती है। हाँ, किसी को लेके नहीं आती। वो फौज के बिना आ जाती है, लेकिन देखो हम पूरा बंदोबस्त के साथ जाते हैं, लेकिन तुम अकेली आके फिर हमारे घर पे भारी पड़ जाती है। यस तो लड़कियां इस मैं यस लेकिन लेट मी जस्ट कंप्लीट या। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम फौज के साथ जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी, और लेके आते हैं आपको सुरक्षा में, प्लस आप आके हमारा जीना हराम करते हो, उसका क्या? आप हमको कहाँ भी कहाँ पे सुरक्षा लेके आते हो, कहाँ पे सुरक्षा कहाँ होती है? जब हम बारात लेके हाँ, जाते हैं फिर आप हमको बोलते हो, शादी के पहले तो बोलते हैं हम आपको रानी की तरह बना के रखेंगे, हम तुम्हें गहने से लाश देंगे, एक सेकंड हम तुम्हें ये करेंगे वो करेंगे, इमोशनल डैमेज, 1 सेकंड भाई साहब क्या था ये तो हमारी बेइज्जती है। तो रानी तो है अभी, हम गुलाम हैं। एक सेकंड राजा की जगह गुलाम बना के रख दिया है। एक सेकंड मैं अभी इसका वो देखो क्या पहना है। तो ये कपड़े ही पहने लेकिन एक सेकंड बचा, पहने कपड़े हैं लेकिन है ब्रांडेड। बेचारा गरीब आदमी ने हरी टी शर्ट, ये देखो चप्पल, और एक सेकंड भाई ने कच्छा है आप, और देखो इधर देखो पूरी एलिजाबेथ बन के बैठी है, प्लस में केक नहीं। हाँ यस एलिजाबेथ रानी यहाँ की, आईफोन प्लस में आईफोन लेके बैठी है। वो है मेरा लेकिन ऐसे नहीं है, इतना भी भाईचारा नहीं है। ये देखो सोने का गले में सब वाइट, और इस बेचारे को देख लो नंगे पैर, ये चप्पलें भी इनकी हैं, इसकी गारंटी इसको मैं वो भाई, तो मेरी है वो। हाँ तो वही मैं, अब दोबारा बोलो किसकी है चप्पल, किसकी है? वो मेरी है, पर ये ऐसी लेके आए है, मैंने मंगवाई थी दूसरी और ऐसी बड़ी वाली लेके आए है। तो तू खुद ले सकती है ना तेरे पसंद की, खुद दिया है। अभी यूके में तो कुछ मिल नहीं रहा मेरी तरह से, इंडिया का यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है, और ये फटीचर यहाँ पे लेके आए ये चप्पल फटीचर। हाँ तो बड़ी बड़ी, कितनी बड़ी, मेरे पैर में बहुत बड़ी होती है वो, और मैं और आरती जाते हैं ऐसी बड़ी बड़ी डाल के जाते हैं ना, हम गरीब बेचारे। तू टेंशन मत, तेरे को नहीं ले रहा बीच में, समझदार हो रही है इधर। एक तो मेरी घरवाली मेरे बर्थडे पे मेरे को रोस्ट कर रही है। सो उतरी नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस व्लॉग एंड वसानी व्लॉग एंड द केम एम्पायर। मेरा बर्थडे है यार, थोड़ी शर्म कर ला यार भाई, थैंक यू। चलो जी एंड कर दो व्लॉग का अभी। ओके बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय आपा की गाय, जय खुड़िया माँ, जय हिंद।